हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे आज हम क्रिप्टो न्यूज़ और यहाँ पे स्पेशली लूना क्लासिक के प्राइस प्रेडिक्शन लेके आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, बिटकॉइन के डोमिनेंस की 39.2% है और इथेरियम की 17.4%। टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करें, $929 बिलियन की है, जो कि कम ही होती जा रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिटकॉइन के प्राइस की, तो $19,200 का अभी भी ड्रॉप आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें 24 आवर्स का हाई, अगर हम देखें $20,338 और $18,915। तो यहाँ पे तकरीबन 1,200-1,300 का यहाँ पे बिटकॉइन में ड्रॉप आ चुका है। उसके बाद इथेरियम के प्राइस की बात करें, $1,317 और BNB के प्राइस की बात करें, $270। XRP अभी अच्छी बाइंग रेंज में आ चुका है, क्योंकि इसका जो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है SEC के साथ, जो इसका केस था वो इसके हक में होगा और वो केस जो है XRP वाले जीत जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, XRP अभी अच्छी बाइंग रेंज में है। अभी आते हैं लूना क्लासिक के ऊपर। तो लूना क्लासिक के ऊपर दो न्यूज़ आपने देखी होंगी, एक ऑन चेन ट्रांजैक्शंस जो भी हैं होंगी उनके ऊपर 1.2% लगेगा, यानी लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके ऊपर 1.2% टैक्स लगेगा। यानी अगर आप 1,00,000 रुपये का कोई बाय सेल करता है लूना क्लासिक को, तो वहाँ से 1,200 रुपये आपके जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे एक बार बाय या सेल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बाइनेंस वालों ने उसको सपोर्ट नहीं किया था और बाइनेंस वालों ने अपना जो बर्निंग मैकेनिज्म है उसको लॉन्च किया था, और वो जो है वो ये था कि जितनी भी वो फी कलेक्ट करेंगे यहाँ पे लूना क्लासिक की बाइंग सेलिंग से या फ्यूचर से मार्जिन से, जहाँ से भी वो कलेक्ट करेंगे, वो उसको लूना क्लासिक में कन्वर्ट करके बर्न कर देंगे। जिन लोगों को बर्न का नहीं पता, क्रिप्टो मार्केट में नए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, बर्निंग उसको कहा जाता है कुछ कॉइन्स को जो है कुछ ऐसे एड्रेस पे भेज दिया जाता है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते, तो इसको बर्निंग कहा जाता है। टोटल सप्लाई में से वो जो है कम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 कॉइन्स हैं, अगर 10 कॉइन्स की बर्निंग होती है, तो बाकी जो सप्लाई बचती है वो 90 कॉइन्स की ही बचती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लूना क्लासिक के रैंक की, तो 32 रैंक चल रहा है अभी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें 24 आवर्स हाई लो का, 0.000264 जो है लो है और 0.000307 जो है यहाँ पे हाई है। और यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी 62% की गिरावट आई है और मार्केट कैप के इसमें में 7.5% की गिरावट आई है। टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें 6,151 बिलियन है। अगर इस सप्लाई के साथ लोग ये कहें कि इसका प्राइस $1 चला जाएगा, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस सप्लाई के साथ $1 जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन सालों में, कम से कम 10 साल तक तो ये नहीं जा सकता। हाँ, अगर बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन चला जाए, उसके बाद अगर हम बोलें कि इसका प्राइस $1 चला जाएगा, तो वो हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर हम बोलें कि इसका प्राइस $1 चला जाएगा, तो लॉजिकली टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि इसका प्राइस जो है अभी $1 जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसके प्राइस प्रिडिक्शन की, वो थोड़ा हम हाई लो देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें टेरा लूना क्लासिक का जो हाई प्राइस था, वो तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो है हाई वो उसने $100 से भी ऊपर $119 बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली लो देखने वाले हैं। 4 मंथ पहले जो है इसने लो बनाया था और 1500% जो है अपने ऑल टाइम लो से प्लस में चल रहा है। तो क्या ये रिकवर कर सकता है? जी हाँ, जिस तरह से जो है एक्सचेंजेस जो हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं, बाइनेंस एक्सचेंज ने सपोर्ट किया, उसके बाद बायबिट ने भी कोई प्लान लाया है इनके रिवाइवल प्लान के लिए, और उसके बाद यहाँ पे जो है इनकी अपनी कम्युनिटी ने जो 1.2% बर्निंग मैकेनिज्म लाया है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टेरा लूना की कम्युनिटी है, लूना क्लासिक की जो कम्युनिटी है, वो जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रही है और अच्छी तरह से इस कॉइन को पंप करने की कोशिश कर रही है। अगर आप टेरा लूना क्लासिक को बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, चाहे 5, 10, 15, 20, $50 ही इसमें डालें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डालें। ये मेरी बात याद रखिएगा, नेक्स्ट बुल सीज़न में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। और अगर आप क्विक प्रॉफिट के लिए टेरा लूना क्लासिक को बाय सेल कर रहे हैं, तो न्यूज़ का वेट करिए और यहाँ पे जो है क्विकली आप इसमें जो है स्ट्रक भी हो सकते हैं। तो लालच करके इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ये सोच के कि यहाँ पे ये पंप हो रहा है और डंप हो रहा है और मैं इसमें अच्छा पैसा बना लूँगा 50% से 100%। ऐसा सोच के कभी भी यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमेशा सीखिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, अपने जो है कॉइन्स को किस तरह आपको जो है
है रखना है, कितने कॉइन्स बाय करने हैं, कितने मीम कॉइन्स बाय करने हैं, कितने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स बाय करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी है अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव करना है और अच्छा प्रॉफिट बनाना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्रिप्टो के रिलेटेड कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं सभी लोगों के पर्सनली क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उनके आंसर्स करता हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है वीडियो देखे चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम असद, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।